हेलो स्टूडेंट, निमसेट 2019 लास्ट टू डेज हमारे पास बचे हुए हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए आपने पूरे एक साल, इवन कई बच्चे ऐसे हैं दो साल तीन साल दिए हैं, अब उस एग्ज़ाम को आपको फाइनली देने जाना है। इस एग्ज़ाम को जाने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक बातें बताना चाहूँगा, लास्ट मिनट टिप्स बताना चाहूँगा जो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बोला था, अब सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो काम मैंने एकेडमी में किया वही बात मैं बोलूँगा। आज यहाँ पर एक आखिरी टेस्ट पेपर था एकेडमी में, और इस टेस्ट पेपर्स के बाद आज से लेके कल इवनिंग तक, यानी फ्राइडे इवनिंग तक ही बच्चों को पेपर सॉल्व करना है, वो भी 2008 से 13 तक के, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। और पॉसिबल हो तो आप सिंपल जितने भी फॉर्मूलेज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो रिवाइज कर पाएँ तो करिए। मैथ्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर फंडामेंटल के कल इवनिंग के बाद बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ देनी है, और ट्राई करिएगा आज कल बहुत अच्छी नींद लें, थर्सडे नाइट, फ्राइडे नाइट एंड सैटरडे नाइट। अगर आप 10 घंटे सो सकते हैं, 12 घंटे सो सकते हैं, जितना दिमाग को रिलैक्स देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल मैं वो बातें आपसे बोल रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। और एक और बात मैं बोलूँगा कि आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब भी आप कोई पेपर दे के आते हैं तो उस पेपर को देने के बाद, घर आने के बाद आपको लगता है कि अरे इस पेपर में ये पेपर तो मेरे को ये क्वेश्चन पेपर में दिखे ही नहीं, अब बन गए। एक्चुअल में वो पेपर आप पुराना कर लेते हैं। मैं आपके लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जो 26 मई को पेपर देने वाले हैं वो पेपर पुराना ही हैं, जो इतने सारे आपने टेस्ट पेपर्स दिए हैं, जो साल भर पढ़ाई करी है, वही क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ नया नहीं आने वाला है। यानी सारे क्वेश्चन पुराने मिलेंगे, बस वो सारे पुराने क्वेश्चन एक नए पेपर में कंपाइल होकर आ जाएंगे। तो आप साइकोलॉजिकली अगर स्ट्रांग होकर जाएंगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, कोई डाउट नहीं है कि आपको कोई पीछे कर दे। और लास्ट डे में आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप ना तो पेपर देखने ये सोच के जाएंगे कि आपको टॉप करना है, ना आप ये सोच के जाएंगे फर्स्ट रैंक लाना है, ना टॉप 100 रैंक त्रिची मिलेगा कि नहीं, वारंगल मिलेगा कि नहीं। सारे थॉट्स दिमाग से निकाल के एक पॉजिटिव माइंड से आपने जो प्रिपरेशन की है नॉलेज के अकॉर्डिंग आप पेपर देने जाएं। कोई थॉट प्रोसेस अगर आप डेवलप करके गए तो मैं बोल सकता हूं कि पेपर में प्लस माइनस हो सकता है। कुछ मत सोच के जाइए कि 80 करके आना है, मैथ्स में कम से कम 40 करना है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, पर आज मैं आपको कुछ और बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैं बोलता था मैथ्स में 40 प्लस करने की कोशिश करो, रीजनिंग में 30 प्लस, कंप्यूटर में 5 प्लस, इंग्लिश में 10 प्लस, पर आज मैं आपको ये बात नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं आज ये बात बोलूँगा कि जो आता है वही करिए। कोई साइकोलॉजिकली कोई माइंड सेटअप करके जाएंगे तो कई बार प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने माइंड सेट किया है कि मैं 80 क्वेश्चन करूँगा, 60 बने, डिप्रेशन में हमने तुक्के लगा दिए, नहीं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, उसके एक दिन बाद आपको JNU देना है। तो इन दोनों एग्जाम के लिए मैं आपको पहले तो वेल विशेस देना चाहूँगा कि आप बेस्ट से बेस्ट करके आएँ, क्योंकि आप ऑल द बेस्ट का मतलब ही होता है कि आप अपना बेस्ट दे के आएँ। जब कोई आपको ऑल द बेस्ट बोलता है तो इसका मीनिंग यही होता है कि आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट करके आएँ। तो ये दिन आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने वाला है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो जो बातें मैं आपको बताता चल रहा हूँ वो सुनते चलिए। नंबर वन थिंग कि बहुत बहुत प्रॉपर नींद लीजिए, सैटरडे के दिन जितना हो सकता है माइंड रिलैक्स करिए। वैसे जो मैंने जैसे क्लास में बोला, हर बच्चा कई बार कोशिश करता था सर स्टार्टिंग में पढ़ते समय गाने सुनने की, म्यूजिक सुनने की, जो मैंने बंद करवाई, पर अब मैं आपको बोलूँगा कि लास्ट डे सॉफ्ट लाइट म्यूजिक सुनिए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे, जहाँ पीस मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले, पार्क में जाइए, कोई हो सकता है तो गेम खेलिए। गेम में बहुत फ़ायदा होगा, जैसे आप सपोज बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग या कोई भी एक आध गेम खेलते हैं तो उससे ये होगा कि माइंड रिलैक्स होगा। जब हम गेम खेलते हैं, चेस खेलिए, तो हमारा माइंड एक रिफ्रेश होता है, फ्रेश होता है। हम गेम में उलझते हैं तो हम अपने माइंड को न्यूट्रल पोजीशन में लेने जा रहे होते हैं, वो एक चीज़ करने की कोशिश करिए, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अक्सर ये होता है कि हम एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं या एग्ज़ाम के एक दिन पहले, ये चीज़ कई बार आपकी परफॉर्मेंस डाउन कर सकता है। क्योंकि होता ये कि जैसे आप सपोज संडे को पेपर देने जा रहे हैं और सैटरडे को आपने मैथ्स का कोई टॉपिक रिवाइज किया, फॉर एग्जाम्पल कि आपने मैट्रिसेस रिवाइज किया, आप जैसे ही पेपर देंगे आपको मैट्रिसेस के क्वेश्चन बनेंगे, आपको बहुत खुशी होगी, अच्छा रहा मैंने मैट्रिक्स का रिवीजन कर लिया, मुझे 3 क्वेश्चन बन गए, या डिफरेंशिएशन का। बट आपको पता नहीं है कि इसके अलावा बाकी टॉपिक का जो रिकॉल टाइम है वो आपने बढ़ा लिया, ये ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। दूसरा, ऑफलाइन मोड में पेपर दे रहे हो आप, BHU आपने ऑनलाइन दिया था, ऑफलाइन मोड के पेपर का फ़ायदा ये कि आप एक बार पूरी तरह से स्कैनिंग बहुत तेज़ी में कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होगा वो बहुत क्लियर कर दूँ मैं आपको, कि ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट मैथ्स, LR,
कंप्यूटर फंडामेंटल इंग्लिश ये होगा नो, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट डिपेंड ऑन पेपर होगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैथ्स से करें, ऑब्वियसली मैथ्स से करने का एडवांटेज ज़्यादा है क्योंकि 12 मार्क्स का है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि ये भी आपके ऊपर फ्रीडम है कि क्या करना है, आप चाहे तो मैथ से करें, चाहे तो आप एलआर से करें, चाहे तो कंप्यूटर फंडामेंटल से करें, चाहे तो इंग्लिश से करें, डजेंट मैटर, पर जो करें वो राइट अप्रोच के साथ करें। दूसरा, पेपर आने के बाद, जैसे मैं क्लास में भी बच्चों को हमेशा ये बात बोलता हूँ, वही बात आपको बोलूँगा, आपने बहुत टेस्ट दिए, पेपर को आने के बाद आपका पहला साइकोलॉजिकली थॉट पेपर के रिजल्ट को डिसाइड करता है। मतलब क्या करना है वो बात समझिए, कि अगर आप समझिए कि 100 क्वेश्चन का पेपर है, 60 बनते हैं, 40 नहीं बनते, अगर आपने सोचा कि 60 बनते हैं तो आप पेपर से निकलते समय 75 करके निकलेंगे, आप अगर सोचते हैं 40 नहीं बनते तो आप जब बाहर निकलेंगे तो 40 ही करके निकलेंगे, यानी आपका एक सिंगल थॉट 25 से लेके 50% तक आपका परसेंटेज एफिशिएंसी कम या ज़्यादा कर सकता है। एक सिंगल थॉट आपकी 50% परफॉर्मेंस को कम या ज़्यादा कर सकता है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक साइंटिफिक फैक्ट है कि एक थॉट 25 से 50%। कैसे? जब आपके दिमाग में ये थॉट आया कि मुझे 60% बनता है तो क्या होगा, क्या होगा वो सोचिए, कि आपने 60 कर लिए और इस 60 के करने के बाद, इस 60 के करने के बाद ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि यार 60 तो कर लिए मैंने, अब 60 जब कर लोगे तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी आपको वो क्वेश्चन जो नहीं बनते उनमें से भी 10 से 15 करवा देगा। थॉट प्रोसेस है कि 40 कर नहीं बनते, आप 40 नहीं बनते जैसे ही आया तो टेंशन होना चालू हो गया, अरे 40 नहीं बनते क्या होगा, अब इन 40 क्वेश्चन को कैसे करूंगा, इस थॉट प्रोसेस से ये 60 जो बनते थे इनमें रॉन्ग होना चालू हो जाएंगे, यानी सही क्वेश्चन भी आप हो सकता है एग्जाम में प्रेशर की वजह से गलत कर दें और आप अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस खो दें। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जैसे होता ना जब आप कभी भी कोई चीज़ सीखिए तो प्लेयर से सीखिए, कोच हमेशा आखिरी समय तक ट्रेनिंग देता है कुछ दिन पहले तक, फिर वो बोल देता जैसा चाहो वैसा परफॉर्म करो, बस अपना बेस्ट दे के आओ। आप अगर ये सोच के जाओगे कि मुझे आज सेंचुरी बनानी है तो हो सकता है आप सेंचुरी ना बना पाएं, आप ये सोच के जाओ कि कोई भी बॉलर आए मैं अच्छे से खेलूंगा, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा, हर बॉल को अच्छे से फेस करूंगा, तो हो सकता है आप सेंचुरी नहीं डबल ट्रिपल सेंचुरी बना के निकलो। पर अगर आप सेंचुरी के थॉट से गए तो आप इस प्रेशर में हो सकता है कि 0 पे ही आउट हो जाओ, हो सकता है 10 पे आउट हो जाओ, हो सकता है आपने देखा होगा कि 99 पे बहुत प्लेयर आउट होते हैं, नर्वस 99 बोलते हैं, क्यों होते हैं, या 90 से 100 के बीच में, क्योंकि वो अपने जो लोग अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं वो आउट हो जाते हैं। नहीं तो कई प्लेयर ऐसे भी हैं कि जो 90 की बात छोड़ो वो 200-300 तक भी क्रॉस कर जाते हैं, यानी एक साइकोलॉजी ही पूरी पूरी चीज़ें डिसाइड करती हैं और वही चीज़ आपको इस पेपर में ध्यान रखना। मैं जो आपको कीवर्ड दे रहा हूँ ये बिल्कुल वो वर्ड हैं जो आपके काम आएंगे, पेपर जब आपको मिलेगा तो आप खुद कहोगे कि सर सारे क्वेश्चन पुराने थे, पुराने पेपर को एक नए फॉर्म में आपको दिया जाएगा और कोई भी चेंज नहीं आएगा। याद रखिए जेई एडवांस हुआ, यूपीएससी हुआ, कुछ एक एग्जाम छोड़ दें तो बाकी सभी एग्जाम्स में पुराने क्वेश्चंस या पुराने क्वेश्चंस जैसे बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं, इसलिए इस चीज़ का आप एडवांटेज लो। इसलिए मैंने आपको बोला कि लास्ट डे अगर आप कुछ कर सकते हैं तो 2008 से 18 तक के पेपर सॉल्व करें, मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर तीनों, और इंग्लिश अगर आप रेगुलर ईयर में करते हैं तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने सोच के रखे थे लास्ट डे पढ़ें। कल रात आपकी पढ़ाई का लास्ट डे होगा, सैटरडे उठ के भी नहीं करना, बहुत खाली लगेगा आपको, आपका मन नहीं मानेगा, पर मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए। आप गेम, मैंने इसलिए बोला आप कोई गेम खेलेंगे तो आप एक्चुअल में फ्री हो पाएंगे, आपको वैसे नींद आती पर अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आप नहीं सो रहे हैं, नहीं अब सोना है, कोशिश करिए सोए, अच्छी नींद लें, जितनी ज़्यादा अच्छी नींद होगी, जितने फ्रेश माइंड से जाओगे उतना अच्छा पेपर जाएगा। ऑन टाइम एग्जाम सेंटर पर पहुँचिए, बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको 9:15 पर रिपोर्ट करनी है, आप 8:30 के बाद पहुँचाएँ। एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, किसी से कोई भी यहाँ के भी बच्चों को मैंने बोला आपस में अपने दोस्त से भी बात नहीं करनी, किसी तरह की नहीं, बिल्कुल मौन रहिए, बिल्कुल शांत, जब आप पीस रहते हैं तो आप उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे दे पाते हैं। बिल्कुल दिमाग में रखिए, साइकोलॉजिकली आपको पता है 120 क्वेश्चन हैं, मैथ्स में जो आते हैं पहले वो करिए 50 में से, रीजनिंग में जो आते हैं सिंगल वाले क्वेश्चन पहले करिए, पैसेज वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे तो अच्छा है, पर वो भी मैं बोलूँगा पैसेज वाले कई क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि आप उन्हें बल्कि ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, 2-3 लाइन के पढ़ने के बाद लॉजिकल रीजनिंग में ये समझ में आने लगता है कि ये हम कर पाएंगे या इसमें टाइम लगेगा
या ये हम नहीं कर पाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो मैंने आपको मैथ्स के थ्रू पढ़ाई हुई है, समझाई हुई है। क्वेश्चन जब भी रीड करेंगे तो या तो आपको समझ में जाएगा पहले अटेम्प्ट में बनेगा, या फिर नहीं बनेगा, या फिर टाइम लेगा। जो भी समझ में आए इमीडिएटली एक्शन लीजिए, दो स्टेप के बाद समझ में आ जाए तो छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि अब इसको अटेम्प्ट करना चालू कर दिया, कर ही लेते हैं, देखेंगे बाद में क्या होगा। ये थॉट पेपर में सबसे डेंजरस होता है। किसी क्वेश्चन में उलझ गए करते चले जाते हैं आप, याद रखिएगा घड़ी का डमरू चल रहा है, वो चीज़ बंद नहीं हो सकती। अपनी क्लॉक लेके जाइए, मोबाइल पे देखने की आदत हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे ही वो स्टार्ट बोले आप उनके टाइम से अपना टाइम सेट करिएगा, अपनी क्लॉक के हिसाब से मत चलिएगा। छोटे छोटे कीवर्ड हैं, पानी की एक बॉटल लेके जाइएगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पानी आपको लगेगा, पानी से आप फ्रेश होंगे। और याद रखिएगा पहला एक घंटा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहले एक घंटे की परफॉर्मेंस और दूसरे एक घंटे की परफॉर्मेंस में मोर देन 50% तक का डिफरेंस आ सकता है, 50 और मोर देन 50% तक का। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड के साथ जाना है, पेपर देख के जो बनता है वो सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। जिस समय जो क्वेश्चन करो सॉल्व, उसी क्वेश्चन पे फोकस रहना है। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं हम उसके ऊपर वाले क्वेश्चन को सोच रहे होते हैं, नीचे वाले को देख रहे होते हैं। मत सोचिए पिछला क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं हो गया, अगर ये थॉट दिमाग में चल रहा है तो जो कर रहे हो करंट वो क्वेश्चन भी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दिख रहा है तो भी करंट क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यानी आप जिस समय मतलब आपको प्रेजेंट में यानी जिस क्वेश्चन पे आप फोकस हैं उसी पे रहिए। कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लीव दिस क्वेश्चन, आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आपका माइंड सेटअप होना बहुत जरूरी है। अगर एक पॉजिटिव माइंड से पेपर देंगे तो उसके रिजल्ट कुछ और होंगे, और अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आएंगे तो रिजल्ट कुछ और होंगे। दूसरी बात, पेपर देते समय कई बच्चे, जैसे अभी अभी में मुझे कुछ बच्चों ने जो फ़ोन किया जिन्होंने रिसेंटली ही लेट स्टार्ट किया, जिनके ग्रेजुएशन के पेपर चल रहे हैं उसके बीच में है, या कुछ बच्चों ने एक दो महीने पहले कि सर ड्रॉप लें कि नहीं, मैंने एक ही बात बोली थी वही बात यहाँ बोलूँगा, पेपर के समय भी नहीं सोचना और अभी भी नहीं, ड्रॉप लेना है कि नहीं ये डिसीजन हम 26 के पेपर के बाद सोचेंगे, आज हम ये सोचेंगे कि हम इसमें बेस्ट क्या करें। मैंने पहले से पढ़ाई की होती तो अच्छा होता, मैंने 6 महीने पहले क्यों नहीं की, मैं पहले ऑनलाइन कोर्स से क्यों नहीं जुड़ा, मैं क्लासरूम कोर्स से क्यों नहीं जुड़ा, व्हाटएवर, ये सब थॉट निकाल के चाहिए, क्योंकि आप पीछे का एक भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो आज के पेपर पे फोकस करिए। ये कुछ बेसिक बातें हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं आपका टाइम लूँगा। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से पेपर दीजिए। पेपर खत्म होने के बाद ऑब्वियसली मैं पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, आप आंसर्स की भी मैच करिए, क्योंकि 3rd-5th June के बीच में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और पेपर ख़त्म होते ही अकॉर्डिंग टू रिजल्ट हमें अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी इमीजिएटली स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैं इमीजिएटली पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि कोडिंग के C++ इन सबको सीख के जाएंगे तो कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा। अभी कुछ आपके साथ सीनियर सेशंस भी मैं आपको शेयर करूँगा जो कहीं ना कहीं एडवांटेज देंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो बात मैंने निमसेट के लिए बोली वही JNU के लिए अप्लीकेबल है, वही VIT के लिए अप्लीकेबल है, यानी जितने बच्चे हुए MCA के एग्जाम है सब पे यही अप्लीकेबल है। पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस किस पर है? निमसेट पर। तो ऑब्वियसली निमसेट में अपना पूरा 100% देने की कोशिश करिए। जब आप अपना 100% देंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जो आपने प्रिपरेशन की है उसको क्यूमुलेट करने का समय आ गया। होता क्या है कि हम आगे तो बढ़ते जाते हैं पर पीछे नहीं आते। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम जितना आगे बढ़ें उसको पीछे लाना भी जरूरी होता है, यानी जो पढ़ा है उसको समेट के रिवाइज करना भी जरूरी होता है। और आई होप कि क्योंकि मैंने लास्ट 15 डेज वाला सेशन लिया था उसमें भी यही बात बोली थी, तो अब आपको वो बात समझ में आ गई होगी। तो आप बस इसी बात को फोकस रखिए, सैटरडे के दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना, कल शाम को रात को जो पढ़ाई स्टॉप करो तो सीधा संडे को पेपर देना है। पॉजिटिव माइंड रखना है, न्यूट्रल रहना है, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना है, कोई गेम खेल सके तो ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, अच्छी नींद लें 10-12-13 घंटे की, और पॉजिटिव माइंड से पेपर दें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।